नमस्कार, आप देख रहे हैं नेक्स्ट नाइन न्यूज और मैं हूं आपके साथ दिनेश कुमार। राहुल गांधी भारत जोड़ो न्याय यात्रा कर रहे हैं, इस दौरान वह बिहार पहुंच चुके हैं। बिहार पहुंचे राहुल गांधी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से लेकर भाजपा संगठन पर करारा हमला बोला। उन्होंने कहा कि बीजेपी सिर्फ खरीद फरोख्त की सरकार चला सकती है। इसके साथ साथ राहुल गांधी किसानों के बीच भी पहुंचे। उन्होंने वहां पर मौजूद किसानों की वेशभूषा के अनुसार अपना गमछा भी बांधा और इस दौरान राहुल गांधी ऐलान करते हुए नजर आए कि किसानों के लिए आने वाले वक्त में हम एक ऐसा कानून बनाने जा रहे हैं जिसके माध्यम से भारत के किसानों की और विशेष तौर पर बिहार के किसानों की स्थिति को सुधारा जाए। इस दौरान उन्होंने कहा कि भाजपा संगठन जो लगातार यहां पर किसानों की बातें करता नजर आता है लेकिन जमीन पर कुछ भी हासिल नहीं हो पाता है। एक तरफ जहां देश में 3 कृषि कानून लाए गए थे, उन्होंने कहा कि 13 महीने तक देश के किसान दिल्ली की सीमाओं पर बैठे रहे और आखिरकार में केंद्र सरकार को काले कानूनों के खिलाफ झुकना पड़ा। ऐसे में उन्होंने सीधा हमला बोलते हुए यहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को टारगेट किया। क्या कहा सुनिए जरा। इस बिल को रद्द करने का था तो मेरा कहना है कि जो भी राजनेता किसानों की जमीन की रक्षा करने की बात करेगा उस पर 24 घंटा मीडिया का आक्रमण शुरू हो जाएगा। सही बात है। अब यहां पे ये आपका एसएसबी का है, कानून के मुताबिक अगर ये जमीन इस्तेमाल नहीं की गई तो 5 साल के अंदर आपको वापस मिल जानी चाहिए, ये कानून है। मगर यहां पे हिंदुस्तान की सरकार जमीन अधिकरण बिल के कानून को तोड़ दी, तो मैं ये आपके लिए जरूर पार्लियामेंट में उठा सकता हूं। मैं ये गारंटी नहीं दे सकता हूं कि मोदी जी उसके बारे में कुछ करें ना करें, मगर मैं आपके लिए उठा तो सकता हूं। और मैं आपको आश्वासन दे सकता हूं कि अगर हमारी सरकार आएगी तो एकदम ये जो आपका काम है हम करके आपको दे देंगे। तो आपने सुना, यहाँ पर राहुल गांधी सीधा कहते हुए नजर आ रहे हैं कि जो केंद्र सरकार है वो किसी भी प्रकार से किसानों के हितों का काम नहीं कर रही है और आने वाले वक्त में हम किसानों के बेहतर भविष्य, किस तरीके से उनके जीवन को और बेहतर बनाया जाए, इस मुद्दे पर काम करने वाले हैं। इसी के साथ साथ भूमि अधिग्रहण बिल पर भी उन्होंने बातचीत की और कहा कि कांग्रेस पार्टी का प्राथमिकता के साथ ये काम रहेगा और आने वाले वक्त में हम इसको इम्प्लीमेंट करके दिखाएंगे। फिलहाल इस खबर में इतना ही। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए नेक्स्ट नाइन न्यूज।